पतंग दिखाइए, काम काम ठड्डा इसका मोड़ कर दिखाओ जरा। तो दोस्तों ये जो पतंग हाथ में लग रही है, अब आपका सवाल आएगा ये खड़े कहाँ हैं हम, एक बार लोकेशन चेक करिए। ये इस तरीके से एक तराहा है और हम किस जगह खड़े हुए हैं सईद भाई? मछली वाली गली। ये हमारे सईद भाई खड़े हैं दोस्तों, और संग में हमारे KFC के सबसे पसंदीदा मेंबर शानू भाई खड़े हुए हैं। ये देखिए स्टॉक, देखिए एक बार नज़र मारिए हमारे, ये सईद भाई की दुकान है। और देखिए पूरा मतलब आज दुकान पूरी भरी भरी नज़र आ रही है इन पतंग। ये जो सामने पतंगें रखी हैं, क्वालिटी तो इनकी एक नंबर है, लेकिन इसका रेट क्या होगा? किस साइज़ की पतंग है ये? छः रुपये वाली मझोलियाँ हैं दोस्तों। और कांप ठड्डा देगी क्यों भाई शानू भाई, क्वालिटी बताइए इस पतंग की। हाँ शानू भाई खुद भी अच्छी पतंग लड़ाते हैं दोस्तों, और फर्मा भी, और मझोली के हिसाब से तो बहुत ही शानदार सिका हुआ कांप ठड्डा। मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, होली पर जो छोटे बेल लड़ते हैं 150 गज तक के, उसमें एक बार ये पतंग देखिए आप। गिरे हुए इसके कुंदे हैं, यानी स्पीड भी है पतंग के अंदर, और कभी आप थक जाएं तो पतंग खड़ी भी रहेगी, सीना इसका फ्लैट है। तो ये देख सकते हैं, बाकी टेम्पर एक बार आप नज़र डालिए, टेम्पर भी सही जगह आ रहा है पतंग का, और एक नंबर की पतंग है दोस्तों। ये देखिए छोटी, ये देखो बहुत अच्छा बच्चा। ये सारी पतंगें, ये सारी डिज़ाइन मिल जाएंगी, ये सारी मझोलियाँ लग रही हैं दोस्तों। एक बार नज़र मारिए आप इन सारी पतंगों पर। और ये 12 और 6 के चरखे लग रहे हैं क्या? 6 के 12 के। अच्छा, 6 रील के चरखे में कौन सी कौन से ब्रांड होंगे आपके पास? लल्ला हसीन का है, मुख्ताज का है, मुख्ताज, लल्ला हसीन। लल्ला हसीन का रेट क्या हुआ 6 रील में? 900 रुपये। और क्या नाम है, 12 रील के अंदर कौन कौन होंगे? मुमताज के चरखे हैं, और उसका रेट 1800 दोस्तों। ये देखिए कॉटन की थ्रेड, यानी कि जैसा मैंने बोला था, ये सारी कॉटन की थ्रेड यहाँ पर लग रही है। बाकी ये ऊपर सारी मझोलियाँ लग रही हैं, इन्हें दे दी, ये दे दी। तो ये बताइए सईद भाई, मझोलियों के अलावा कौन से साइज अवेलेबल है अपने पास? फैंसी अद्दी दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। किस रेट की अद्दी होगी ये? 12 वाली अद्दी है ये, है 12 वाली अद्दी दोस्तों। एक बार कांप ठड्डा देखिए, हरी शेडो ये दिखाएंगे हमारे शानू भाई। ये 8 वाली है, ये 8 वाली अद्दियाँ हैं। ओके अभी इस पर भी आएंगे दोस्तों। ये देखिए एक बार पतंग देख लीजिए आप, ये देखिए इसको, इसका कांप ठड्डा मोड़ कर दिखाइए। और भाई पतंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम अद्दी पतंग लेते हैं और आगे जाकर पतंग राउंड हो जाती है, इसके अंदर वो शिकायत तो आएगी नहीं। ये देखिए जैसी ये 150 गज पर लड़ेगी, वैसी ही 500 गज पर भी लड़ेगी दोस्तों। बिल्कुल एक नंबर की ये पतंग है, सिके हुए कांप ठड्डे बिल्कुल बैलेंस्ड। और बाकी पतंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब भाई हमारे। ये 8 रुपये की अद्दी है, और ये हमारा लड़का स्नैप बना रहा है। ये देखिए ये 8 रुपये का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है दोस्तों। और कहीं ना कहीं शिकायत वो वाली इसमें भी नहीं आनी चाहिए, है ना? ये देखिए बस अगर आप पतंग को सही से सेट करते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। बस पतंग सेट करने के ऊपर होती है कि आप कन्ने किस तरह बांधते हैं और उसको सेट किस तरह करते हैं। बाकी पतंग तो ये सारी नो डाउट बहुत अच्छी पतंगें हैं। बाकी पौनी वगैरह अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो सारी बंद है, अवेलेबल हो जाएगी। एक बार रेट बता दीजिए, किस रेट? 18 रुपये की पौनी सईद भाई के पास मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए ये पौनी है, ये देखिए तो ये है वो 18 वाली पौनी दोस्तों। फर्मा देख लीजिए आप, बहुत शानदार। ये बाकी सद्दी के गुल्ले कितने वाले हैं? ओके 10 वाला 20 वाला 50 वो 50, ये 100, इस तरीके से रंगीन भी हैं और पीछे भी। ये देखिए हर रेट की सद्दी वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी, टेप अवेलेबल है दोस्तों। और बाकी ये देख सकते हैं सारा स्टॉक। एक बार मैं आपको फिर से ये एरिया दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से गली, ये वाली गली शानू भाई किस जगह से आ रही है? किधर से? रसलगंज से सीधा आ रही है गली। ओके कौन सी वाली गली है, मतलब कोई आना चाहे तो कैसे पहुँचेगा? अच्छा ये देखिए, एक सईद भाई एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए कोई आना चाहे तो। 84 45 60 23 25 84 45 60 23 25 ये सईद भाई का हमारे का नंबर है, बाकी मैं लिख भी दूंगा दोस्तों। और
इस तरीके से यहाँ की मैं एक बार लोकेशन डाल भी दूंगा कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आप सराय रहमान में आकर पूछ सकते हैं सईद भाई की दुकान कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। मछली वाली गली में आकर आप पूछ लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। यही था सारा स्टॉक, चलिए फिर मिलते हैं।